नाउ सो इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली एक प्लांट क्या होता है, राइट? सो व्हाट इज अ प्लांट? आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन फास्ट, ओके? इट्स ऑलरेडी वेरी लेट. तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास आफ्टर 4 मिनट्स आई विल लॉक द मीटिंग, ओके? तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू ज्वाइन विद इन 4 मिनट्स एंड डोंट सेंड दोज वी आर रेडी मैसेजेस, ओके? आप रेडी थे तो अभी इतना देर क्यों लग रहा है ज्वाइनिंग करने में? तो आप रेडी रहेंगे, मेरा आईडी पासवर्ड आता ही एंटर करेंगे. चलिए, सो सो बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रक्चर, तो हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्चुअली प्लांट होता क्या चीज है एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी विल सी इन ए प्लांट, ठीक है? तो इसीलिए तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन टू यू. सो ये हमारा एक नॉर्मल सा प्लांट है जो आप देख रहे हो, जस्ट ड्रॉइंग अ प्लांट नाउ. तो इसमें आप देख रहे हैं, सो दिस इज योर ग्राउंड लेवल, है कि नहीं? तो ये हमारा जो ग्राउंड लेवल है एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड लेवल, उसको हम लोग जनरली शूट कहते हैं. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज बिलो द ग्राउंड लेवल दैट इज जनरली कॉल्ड अ रूट्स, ठीक है? सो नाउ हियर यू आर सीइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम. एक्चुअली तो जो शूट है ये कहाँ से डेवलप करता है बताइए, इफ यू हैव सम बेसिक आइडिया. तो शूट डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? डेवलप्स फ्रॉम किस पार्ट ऑफ द प्लांट? वन एम्ब्रियो, बताइए. ये तो आपका खाता स्कूल में शुरू नहीं हुआ होगा ना, वो खाली फ्लावर करा दिया. चलिए, तो एक्चुअली शूट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, ओके? प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ओके? ऑफ द एम्ब्रियो, ओके? तो प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से आपका शूट डेवलप करता है. जबकि इसको हम लोग इस तरफ रख लेते हैं, जबकि आपका जो रूट डेवलप करता है, तो रूट डेवलप करता है रूट्स रेडिकल फ्रॉम रेडिकल द रेडिकल, ओके? तो रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम, आर यू इंटरेस्टेड फॉर केवीपी क्लासेस? बिकॉज आई यस वांट टू सर, टेक यस सर, यस सर, येस डज नॉट मीन दैट देर इज नो राइट इन जेएस. आपको मैं डे 1 में बोल दिया हूँ. यस का मतलब है अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो यस बोलिए, बेकार में सिर्फ मेरा दिमाग खाने के लिए यस मत बोलिए. तो इफ इसलिए प्लीज थिंक एंड टेल, बिकॉज इफ इट इज तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम वेडनेसडे. तो आपका वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होता है, वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, ओके? सो दैट इज वाई यू थिंक एंड टेल मी, बिकॉज यस सर बोलोगे ज्वाइन कोई नहीं करेगा, क्लास में कोई नहीं होगा, फिर आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन. चलिए, तो यस मीन्स यू फर्स्ट डिस्कस इन योर पर्सनल मीटिंग्स एंड देन टेल यस और नो. चलिए, सो ये हमारा दो बेसिक कंसेप्ट है. तो दैट पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल इज रेफर्ड टू एज द रूट्स एंड दैट व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल इज रेफर्ड टू एज द शूट. तो यहाँ आप सिंपली देख रहे हैं दैट दीज आर ब्रांचेस, ओके? देयर इज ब्रांचिंग, बट सिंस इट इज अ स्मॉल प्लांट द ब्रांच इज नॉट रेफर्ड टू एज अ ब्रांच. तो ये एक टाइप ऑफ लीफ है आपका, है कि नहीं? इट इज नॉट अ डेफिनाइट ब्रांच बट इट इज अ लीफ. एंड उसके बाद ये आप फ्रूट्स देख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल कलर टोमेटो. एंड इधर आप एक्सिल में देख रहे हो, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो दैट वी कैन कॉल इट एज एक्सिलरी बड. प्लस आपका जो नोड्स है जहां से आपका सब ब्रांचिंग हो रहा है, बड्स आ रहे हैं, तो दे आर बेसिकली रेफर्ड टू एज द नोड. तो दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ नोड. तो बिटवीन द नोड्स द प्लेस इज कॉल्ड एन इंटरनोड, ओके? इसलिए अगर ये नोड है एंड ये भी नोड है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा इंटरनोड, इंटरनल. ओके? सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनोड. नाउ यू आर ऑल्सो सीइंग फ्लावर्स हियर. सो दीज आर फ्लावर्स. ये जो है ये फ्लोरल बड्स है. तो बर्ड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे. सो दे आर कॉल्ड फ्लोरल बर्ड्स, देख रहे हो? तो ये दो जो चीज है दे आर कॉल्ड फ्लोरल बर्ड्स.
एंड ये जो एपेक्स आपका ग्रो करता जा रहा है सो दैट इज कॉल्ड शूट टिप या शूट एपेक्स एंड यू नो दैट देयर इज अ सैम देयर. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैम? सैम इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो वो आपका ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा एंड उसी तरह रूट में रैम होता है. दैट इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम. सो दैट इज इन प्लांट्स द होल प्लांट डज नॉट ग्रो. सो दिस इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल में एपिकल ग्रोथ होता है या अगर हुआ तो लैटरल ग्रोथ होता है. बट सपोज ये ब्रांच यहाँ है तो 50 साल में भी यही ब्रांच यही होना चाहिए अगर वो रहेगा तो. अगर वो गिर गया वो अलग बात है. फाइन. सो मीन्स सपोज इफ आई पुट अ पिन हियर सो दिस विल रिमेन देयर टिल द लाइफ ऑफ द ट्री. That pin is not going to go up or down or anywhere. Okay? So this is the concept. So ye aap yaad rakhenge. So isliye the difference, one difference between plants and animals is that in plants there is apical growth, whereas in case of animals there is what? There is a general growth. Wo a different type of growth hai. Wo accretionary growth ho sakta hai. Wo aapka jo multiplicative growth ho sakta hai. Wo aapka oxidative growth ho sakta hai. क्या है वो हम बाद में जानेंगे. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये एनी डाउट्स हियर यू वांट टू आस्क? सो ये रूट है तो अगर आप ये रूट देख रहे हो तो ये किस तरह का रूट सिस्टम है? ये एक टैप रूट सिस्टम है, वेरी क्लियरली विजिबल. तो आप देख रहे हो एक सिंगल रूट है. सो ये टैप रूट सिस्टम है. ये उसके ब्रांचेस हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैटरल रूट्स. एंड हेयर्स है जिसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं. कोई शक? Anything you want to ask, you can ask. No, sir. No. Because ये जो notes है आप लोगों ने मना किया कि आप नहीं लेंगे, so इसीलिए मैंने that is the problem. So otherwise they're very well made notes. एक morphology का note बनाने में, because अभी भी you know this note also have changed. ये note मेरा already है and ये भी आप जानते ही हो. ये भी एक काफी अच्छा सा note है, देख रहे हो. I'll just run you down through the pages. Fine. देखिए, तो ये आपका जो नोट है जो आपने मना किया कि आपको नहीं चाहिए. So this is half the note. This is only stem and root and leaf. Okay. तो ये आपका है. These are leaves. ठीक है. But you know I have changed this. I have made another note. Okay. तो सोचो कि what I can do. Okay. If you are willing. तो बट आप लोग को वही डिसाइड करना है कि हाउ मच यू कोऑपरेट. ओके. सो बिकॉज नाउ वी विल बी रीडिंग फ्रॉम अ न्यू नोट. इमेजिन. तो दैट इज व्हाई आई हैव मेड द प्रोसीडिंग्स. क्या क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये सब इतना बड़ा. दैट एसी दत्त, हैव यू सीन द चैप्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी? इट स्पैन्स मोर देन 100 पेजेस. सो टेक्निकली इसीलिए व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच वी हैव टू ऑल्सो डेफिनाइट. चलिए, सो लेट्स गो अहेड. सो नाउ तो ये हमारा एक जनरल प्लांट रूटीन है जो हम लोगों ने देखा. ये हमारा जो प्लांट का व्यू है. सो अब हम लोग चले जाएंगे बेसिकली ओके इनटू डिटेल्स ऑफ ए प्लांट. चलिए, सो नाउ सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो वी विल फर्स्ट क्लासिफाई एंड देन वी विल गो. तो बीच बीच में मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा. ओके. बिकॉज दिस इज अ चैप्टर विच नीड्स अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ये आपको याद रखने में भी काफी मदद करता है. चलिए, एंड इफ एट ऑल गॉड परमिट्स तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर फील्ड ट्रिप. बिकॉज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फील्ड ट्रिप इज ऑलवेज बेस्ट, बट दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम. चलिए, सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट. ओके. तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, तो द फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. ये आप बहुत कॉमन सा क्लासिफिकेशन है जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके. सो दे आर कॉल्ड हर्ब्स, shrubs and trees. Understood? Now herbs तो क्या है? ये smallest
प्लांट्स होता है जनरली दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स ओके सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज सॉफ्ट स्टेम्स एनी एग्जाम्पल यू कैन सजेस्ट यू कैन यूज ओडिया वर्ड ऑल्सो बताइए कोई एग्जाम्पल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं हर्ब्स के लिए वेरी इजी हम लोग खाते रहते हैं वी ईट अ लॉट ऑफ हर्ब्स बेसिकली जिसको आप लोग साग बोलते हो तो जो साग सब्जी जो हम लोग खाएंगे तो ये आपका हर्ब्स में काउंट होगा क्लियर सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड योर हर्ब्स बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है मस्टर्ड या ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस तो ये आपका एनुअल प्लांट है उसी तरह बायनियल प्लांट है रेडिश एंड पेरेनियल प्लांट है कैना कैना इज अ फ्लावर एक्चुअली तो ये एक पेरेनियल प्लांट है ठीक है सेकेंड कैटेगरी है श्रब्स तो श्रब्स उससे थोड़े बड़े होंगे दे आर मीडियम साइज पेरेनियल वुडी प्लांट्स ओके विच ब्रांच प्रोफ्यूसली फ्रॉम द बेस एंड अटेन ए बुशी अपियरेंस तो मेनली उसका जो अपियरेंस एक बुशी होगा उसका बहुत ज्यादा एपिकल ग्रोथ नहीं होगा ओके सो इसका मतलब क्या है इट ब्रांचेस प्रोफ्यूसली फ्रॉम द बेस टू अटेन बुशी अपियरेंस तो उसका मीनिंग क्या है उसमें एपिकल ग्रोथ कम होता है एंड लैटरल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा अंडरस्टैंड उसमें एक सुंदर सा एग्जाम्पल आपका दिया है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस प्लीज ऑल दिस नेम्स यू विल आइदर इटैलिसाइज और अंडरलाइन ये सब यहां मैं कर नहीं पाता हूं तो इसलिए ये आपका ड्यूटी है कि आप उसको करें ओके उसी तरह कैपेरिस डेसिडुआ एटसेट्रा बहुत सारे प्लांट्स हैं हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ये आप देखे ही हो सो दैट इज योर मंदार फूल ओके सो दैट इज इन ओडिया वी कॉल इट मंदार फूल ओके इन बंगाली वी कॉल इट जबा एंड सो ऑन उसके बाद आ जाएगा ट्रीज तो ट्रीज हैज अ मेन स्टाउट एंड वुडी ट्रंक विच गिव्स ऑफ ब्रांचेस ओनली एट सम डिस्टेंस अबव द ग्राउंड ओके तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो वुडी होते हैं ट्रीज हार्ड होते हैं हार्ड एंड वुडी एंड स्मॉल होते हैं श्रब्स एंड हर्ब्स जो है उसका स्टेम सॉफ्ट हो ओके सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट तो इसके लिए आई कैन शो यू अ फोटोग्राफ इफ यू वांट टू सी तो लेट अस गो टू द फोटोग्राफ Now, if you are seeing this, I am enabling notification annotation. So, I want if anybody can point the plants. Okay. So, आपको क्या लिखना है? आपको उसमें लिखना है क्या? मैंने कौन से trees हैं? कौन से shrubs हैं? कौन से herbs? Use HST. Okay. So, I am opening it. You can do it. I have opened the screen. So, I want anybody. And tell and do it. Don't do all of a sudden. It will spoil the thing. Yes, Tejas Das. So that is a shrub. Okay. I may accept, may not also. उसके बाद हाँ shrub हो गया अब ये क्या है? हाँ these are herbs. Good. And trees. We can take that or this one also as trees. ठीक है तो इसको भी हम लोग trees ले सकते हैं Understood? So now you understand? तो actually herbs के लिए shrubs के लिए हम लोग हाँ बोलो सर ये वाला herbs में जाएगा ये वाला तो ये जो हाँ हाँ yes 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 they can take all the herbs तो दे जिसमें soft stem हो okay जिसका स्टेम सॉफ्टर हो वो हर्ब्स में चला जाएगा ये भी एक्चुअली ये बनाना है मेरे ख्याल से तो इसको हमें श्रब नहीं बोलना चाहिए तो श्रब के लिए हम और छोटे पेड़ ढूंढ सकते थे बट एक्चुअली इसमें कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा तो इसीलिए जंगल है हमको ढूंढना पड़ेगा चलिए सो ओके सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन तो इसीलिए इन केस ऑफ योर हर्ब्स एंड श्रब्स सो वी हैव डिस्कस्ड तो ये आपका एक तरह का क्लासिफिकेशन है ठीक है नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पे करेंगे तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन
हम लोग करेंगे ओके ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग. किस तरह का ब्रांचिंग होता है ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग ओके तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस इसको हम लोग बी लिख सकते हैं. ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. एक है कॉडेक्स, एक है एक्स करेंट एंड एक है क्या डी करेंट. तो इसको हम लोग थोड़ा सा शेड कर देते हैं सो दैट डिस्टिंग्विश किया जा सके. सो ये हर्ब्स हो गया, ये श्रब्स हो गए, ये ट्रीज हो गया एंड ये कॉडेक्स है ओके. ये एक्स करेंट है एंड ये डेलिक्वेसेंट या डी करेंट है. क्लियर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग. कॉर्डेक्स का मतलब है द स्टेम इज अनब्रांच्ड एंड यूजुअली बियर्स ए क्राउन ऑफ लीफ. तो जिसको तेजस ने ट्री लगाया था तो वो किस तरह का ट्री हो गया बोलो. कॉर्डेक्स. कॉर्डेक्स क्यों आप देखेंगे नहीं Cortex. वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा है, ऊपर एक पैच ऑफ लीव्स होगा. बेस्ट एग्जांपल आपका पाम टाइप ऑफ प्लांट्स आ जाएगा, दिया भी हुआ है डेट पाम, फैन पाम एटसेट्रा. तो जो भी पाम वेराइटीज आपके कॉर्डेक्स के लिए बढ़िया एग्जाम्पल है उसमें जनरली तो ब्रांच नहीं होगा, एकदम ऊपर एक बंच ऑफ लीव्स हो. सेकेंड इज एक्स करेंट. द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम इन एक्रोपेटल सक्सेशन ओके. तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या है बताइए बोले. तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या है, जो यंगर है वो हर समय बाहर होंगे ओके मीन्स आउटर एंड जो ओल्डर है वो हर समय पास में ओके. एंड द ट्री अज्यूम्स ए कोन लाइक अपीयरेंस ठीक है जी. तो दैट इज कॉल्ड योर. तो बनाना फिर भी कॉर्डेक्स में होना चाहिए ना. बनाना को हम एक्चुअली ट्री फ्री में लेंगे ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बनाना का जो स्टेम आप देख रहे हो ना वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है. तो वी विल नॉट टेल ए बनाना ट्री एक्चुअली. वो छोटे क्लासेस में तो अच्छा लगता है पर हायर बायोलॉजी क्लासेस में वो अच्छा नहीं लगता. अंडरस्टैंड. सो विल नॉट यूज दैट टर्म बनाना ट्री, बिकॉज बनाना में जो ट्री आप देख रहे हो ना वो बेसिकली लीफ शीथ होता है, उसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है ओके. सो दैट इज द केस. सो बनाना इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. चलिए उसके बाद जो डेकरेंट है तो इसमें द लैटरल ब्रांच ग्रोज मोर विगरसली एंड आउट कम्पीट्स द मेन ट्रंक. समझ रहे हो. इसका मतलब जो आप देखोगे कुछ तो पेड़ है लाइक योर रेडवुड ट्री, वो इनफाइनाइटली ऐसा ग्रो करता है, वो दे बिकम ह्यूज एंड टॉल. सो उसमें आप क्या देख रहे हो, एपिकल ब्रांचिंग ज्यादा है तो वो एक टाइप ऑफ एक्स करेंट ग्रोथ है ओके. तो पूरा नीचे वाले जो लीव्स हैं वो पुराने होंगे एंड ऊपर वाले जो लीव ब्रांचेस हैं वो नए होंगे. बट जो डिकरेंट है उसमें क्या देखोगे कि एक्सियल ग्रोथ बहुत कम हो रहा है बट लैटरल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है. तो उसमें कैनोपी बड़ा मिलेगा ओके. द यू कैन से इन योर योर कॉमन मैन्स टर्म इसमें क्या, इसमें स्मॉल कैनोपी होता है, स्मॉल कैनोपी. जबकि ओके स्मॉल कैनोपी होता है बट इसमें आपका क्या होगा, यू विल गेट ए लार्ज कैनोपी ठीक है. तो आपको इसमें एक बड़ा सा कैनोपी मिलेगा. मैंगो, शीशम, बनियान ये सब बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आ गए. तो इसमें अगेन आई विल ट्राई टू शो यू द फोटोग्राफ है कि नहीं. तो फोटोग्राफ को दिखाया जाए, उस उधर ही था सेम पेज में. इफ यू सी तो देख रहे हो. सो ये आपका जो है तो दिस इज योर बेसिकली जो जो कलमनर टाइप है तो वो स्ट्रेट है या स्ट्रेट है एंड आपका सिर्फ ऊपर आपके लीव्स ब्रांचेस हैं. इसमें आप क्या देख रहे हो, नीचे के ब्रांचेस ओल्डर हैं एंड यंगर ब्रांचेस ऊपर हैं एंड ये आपका एक कोन शेप में ग्रो कर रहा है राइट. जबकि ये देख रहे हो इसमें मैंगो ट्री क्या है, जितना भी एज बढ़ेगा ऊपर ग्रोथ बहुत कम होगा, कंपैरेटिवली लैटरल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा. अब बेस्ट एग्जांपल इज योर बनियान ट्री. बनियान ट्री में आप क्या देखोगे,
जो लार्जेस्ट बनियान ट्री इन इंडिया विच इज स्प्रेड, उसका भी है हमारा जिक्र, वी विल स्टडी अबाउट दैट. इट हैज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट द एंटायर कैलकाटा बॉटनिकल गार्डन, है कि नहीं? सो उतना ज्यादा उसका लैटरल ग्रोथ है. फाइन, सो इसलिए यहाँ ये आपका जो एग्जाम्पल है हमने यहाँ डिस्कस किया, तो आपके लिए सेव कर लिया जाए. आपको चाहिए नहीं फिर भी मैं तो अपना ड्यूटी कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, सो दिस इज द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. ओके, नाउ आप समझ में आ गया. अब जो अगला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, तो इसको आप लोग है ना, ये डेफिनेशन भले याद रहे ना रहे, कम से कम प्रॉब्लम ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या है, एक बहुत सारा आपको एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ जाता है, समझ रहे हो? तो इसलिए उसके लिए आप तैयार रहेंगे. सो यू मे नीड टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, लोअर क्लास में हम लोग सोचते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नॉट नेसेसरी. ओके, सो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका सी पॉइंट हो गया. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपका दो तरह का प्लांट्स है. कौन कौन सा? एक तो है आपका ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा है हेटरोट्रॉफिक. अजीब सा लगता है कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट कैसे, तो कैन यू सजेस्ट एनी हेटरोट्रॉफिक प्लांट यू नो? एनी आइडिया? या टाइप ऑफ एग्जांपल? हाँ, मतलब वो लोग हेटरोट्रॉफिक है, मतलब दे ऑल्सो दे नॉट ओनली प्रोड्यूस फूड. इसलिए उनके लिए थोड़ा एक अजीब सा टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे उसके बारे में. तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक हो गया एंड ये आपके हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हो गया. तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यू नो दे आर रिच इन क्लोरोफिल एंड दे कैन यूज सनलाइट एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है? बट जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स है उसमें आइदर गिदर शूट, तो आइदर तो आपका माने वो टोटली हेटरोट्रॉफिक होंगे या फिर वो ऑटो एज वेल एज हेटरो होंगे. फॉर ऑटो उनको कुछ चाहिए होगा, ओके, फॉर ऑटोट्रॉफिज्म उनको कोई मिनरल या किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, उसको पूरा करने के लिए वो हेटरोट्रॉफिक करते हैं. जैसे आप लोगों ने बोला पिचर प्लांट एटसेट्रा, तो वेयर यू विल फाइंड दीज प्लांट्स ग्रो बताइए? सोइल डेफिशिएंट एरिया. तो जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, तो जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां आप इस तरह के प्लांट्स पाने का आपको मिलेगा. यू विल फाइंड सच प्लांट्स देयर मोर कॉमन बट अदरवाइज. तो इसलिए इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? सो ये हमारा हो गया. So now we'll go to the next page. So इसी का example हम लोग आगे discuss करेंगे. Different types of heterotrophy है हमारे पास. तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके का heterotrophic plants है. Okay? So we have different types of heterotrophic plants. Okay? So उसमें एक है ऑब्लिगेट और टोटल पैरासाइट. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है मालूम है? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फाइन? सो देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट ओके पैरासाइटिज्म, मींस दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ओके, सो दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, फॉर फूड एंड वाटर, वो दोनों के लिए. ओके, सो डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर, ठीक है? सो ये आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है. इसमें आपके जो एग्जांपल्स आ जाएंगे, ये टोटल स्टेम पैरासाइट दैट इज कॉल्ड कस्क्यूटा, ओके, आपका कैसाइथा, एर्सियोबोथोबियम, ये लोग क्या है? ये सब टोटल पैरासाइट्स है.
इसका मतलब क्या है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एट ऑल, तो उनको फूड भी चाहिए एंड उनको पानी भी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर टोटल स्टेम पैरासाइट्स। उसी तरह से टोटल रूट पैरासाइट्स होंगे। सो टोटल रूट पैरासाइट मतलब ओरोबैंकी, या इसको ब्रूम रेप कहते हैं कॉमन नेम, रेफ्लेशिया। ओके, तो रेफ्लेशिया आप जानते हो कि नहीं, वो लार्जेस्ट फ्लावर है। तो उसमें इसलिए आप कुछ एग्जांपल्स याद रख लो, आपको सारे एग्जांपल याद रखने के जरूरत नहीं है। तो जो स्टेम पैरासाइट है उसमें आप कस्क्यूटा याद रख लीजिए, वो याद रखना आसान होता है टर्म, है कि नहीं, इट इज इजियर टू रिमेम्बर। ओके, टोटल स्टेम पैरासाइट, ये टोटल रूट पैरासाइट है। उसके बाद जो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा नाम, तो इसमें आप याद रखिए जो कस्क्यूटा को, हाँ कस्क्यूटा, इसमें रेफ्लेशिया, क्योंकि अपने आप याद हो जाएगा, बिकॉज ये आप 500 बार पढ़ेंगे, एंड रेफ्लेशिया जो है वो आपका लार्जेस्ट फ्लावर भी है, तो इसका एग्जाम्पल हम 15 बार पढ़ेंगे, तो इसलिए वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पार्शियल और सेमी पैरासाइट्स। ओके, तो पार्शियल और सेमी पैरासाइट्स, इसका मतलब क्या है, उन्हें ओके दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर वाटर एंड मिनरल्स ओनली, माने वो खाना बना सकते हैं, ब्रैकेट रे कैन मेक देयर फूड, ठीक है, तो वो खाना बना सकते हैं। कैन मेक देयर फूड का मतलब क्या है, फोटो सिंथेटिक। ओके, सो वो अपना खाना बना सकते हैं, बट उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है, दे नीड सम हेल्प। ओके, सो उसमें आपका बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा अलग अलग अगेन। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट आपका विस्कम है, लोरेंथस, एंड पार्शियल रूट पैरासाइट ये सेंटलम एल्बम, तो ये आप याद रख लेना। उसका जो हिंदी फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, चंदन, फाइन, तो हिंदी में उसको हम लोग चंदन कहते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं। जो मैंने आपको दिया है बुक दिस एसी दत्ता, उसका मेरे ख्याल से लास्ट पेज अगर आपके पास होगा तो उसमें सारे बॉटनिकल नेम्स, उसके हिंदी ओडिया नेम्स भी हैं, तो कभी कभी अगर आपको कुछ जानने के लिए जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं, मैंने उसको ओडिया में क्या कहते हैं एंड सो ऑन। चलिए, तो समझ रहे, तो इसलिए चंदन जो है वो बढ़िया एग्जाम्पल है रूट पैरासाइट का। आई विल शो यू, देखो इसका फोटोज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल गूगल सर्च बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो गया है, फाइन, तो इसलिए जितना मिला मैंने कलेक्ट किया है वो आपको मैं दिखाऊंगा। बट इसमें आप याद रखेंगे ओरोबैंकी, तो ओरोबैंकी आपको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया। इसमें आप लोरेंथस याद रख लो, इजी टू रिमेम्बर है, इसमें आप सेंटलम याद रख लेना। ओके, नाउ तो ये आपका पैरासाइट्स है, मींस दे आर, पैरासाइट का मतलब क्या होता है मालूम है, प्लस एंड माइनस। तो डू यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ पैरासाइट, मैं यहां लिख देता हूं। तो पैरासाइट का कंसेप्ट क्या होता है, ओके दिस इज प्लस फॉर, प्लस फॉर पैरासाइट एंड माइनस फॉर होस्ट। ओके, तो ये आपका होता है पैरासाइटिज्म। नाउ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो ये लोग जो हैं, ये लोग एंजाइम्स अपने बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, वहां फूड डाइजेस्ट होता है एंड फिर हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ, इसको अगर हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, ओके उसके लिए ये ज्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी होगा। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज आर नॉट एनिमल लाइक प्लांट्स, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर फंगस लाइक प्लांट्स। ओके, तो उस तरह से आप उनका बिहेवियर लिख सकते हो। सो दे रिलीज देयर एंजाइम्स आउट, एब्जॉर्ब एंड ब्रिंग इट इनसाइड, ठीक है। तो उसमें मोनोट्रोपा एग्जाम्पल है,
okay, so this is the concept. चलिए तो उसी तरह से हम लोग और भी examples लिख सकते हैं and उसके बाद इकट्ठा हम लोग photos देखेंगे, ठीक है? या चलो पहले photos देख लो, फिर देखते हैं हम लोग, because अभी कट जाएगा, तो इसलिए मैं photos दिखा देता हूँ आपको. This is a very difficult, hard to collect photographs. आप देख रहे हो ये सारे parasites हैं basically. These are all your parasitic animals. So you know E is Rafflesia. There is no doubt about it. है कि नहीं? तो E Rafflesia है and ये आपके all different types of parasites हैं. So जरूरत पड़ा तो I'll give you the names. ठीक है? So they depend on what? They depend on the others. It may be a plant. इसमें भी देख रहे हो कि नहीं? ये जो डॉटर है बेसिकली, तो ये क्या किया हुआ है, ये एक और प्लांट के चारों ओर लपेटा हुआ है एंड इट इज एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन. ठीक है? सो लाइक दैट, सो दे आर टाइप ऑफ पैरासाइट्स, ओके एंड सो ऑन. तो आप इसमें देख रहे हो कि ऊपर से तो किसी को पैरासाइटाइज नहीं कर रहा है, सो दे मे बी रूट पैरासाइट्स ऑल्सो, है कि नहीं? वो नीचे से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ऊपर से कुछ नहीं कर रहे होंगे बट नीचे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं. So beautiful examples, beautiful photographs. Okay, तो आपको नाम याद रखना नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको नाम दिया भी नहीं. ये new note है which I have made now just recently. मैंने आपके लिए बनाया है, but आप लोग को तो link ज्यादा पसंद रहता है. चलिए, so ये हमारा concept है. उसके बाद अब हम लोग discuss करेंगे symbiotic plant. So now what is the definition of symbiotic? Symbiotic का मतलब क्या है? Mutually beneficial and obligatory. ये याद रखना. सिर्फ mutually beneficial नहीं, उसमें compulsion भी होना चाहिए, obligation भी होना चाहिए. तो इसके बहुत सारे examples आप जानते होंगे. तो symbiotic plant, symbiosis और mutualism is obligatory beneficial partnership of two organisms. मैं इसको यहां ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस फॉर सिम्बायोंट एंड प्लस फॉर होस्ट कॉमा ऑब्लिगेटरी. ठीक है? तो ये उसका डेजिग्नेशन है. तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं. ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आर लाइकेंस, बहुत लोग इसको लिचेन बोलते हैं. तो लाइकेंस में एसोसिएशन किस किस का है? एल्गी एंड फंजाई का. उसी तरह राइजोबियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो व्हाट राइजोबियम डज, इट हेल्प्स टू फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से एंड वो प्लांट्स को फर्टिलाइज करने में, फर्टिलाइजर देने में मदद करता है. उसके बाद माइकोराइजा. तो माइकोराइजा किस किस का एसोसिएशन है? फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. सो दिस इज कॉल्ड आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स. एक बहुत तरह का सुंदर एग्जाम्पल देखा गया है सिम्बायोसिस का. तो इसमें जो एंट्स है वो लोग क्या करते हैं एकाशिया में, ओके एकाशिया जो प्लांट है उसको उसको वो चारों तरफ से घेर देते हैं. एंट्स एंड सम हेयर प्लांट्स. तो व्हेन द एंट्स ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स, दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम अदर एनिमल्स. ओके, उसका जो स्टिप्यूल होता है वो हॉलो होता है एंड वो एंट शेल्टर की तरह काम करता है. ये मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर दी रिजॉइनिंग. ओके, तो हम आई विल शो यू द फोटोग्राफ. माने एंट्स क्या है, अगर कोई एनिमल उसको काटने जाएगा, उस पेड़ को खाने जाएगा, तो एंट्स उसको बुरी तरह से अटैक करेंगे. तो एंट के डर से फिर लोग उस प्लांट को छेड़ते नहीं है एंड प्लांट ने भी उनको शह दिया हुआ है. You'll see beautiful holes. There are naturally present, जहां की वो उस